के किनारे हैं और यहाँ पर डैम बनाया गया है। ये कैसा वर्क करता है आपको अभी दिखाएंगे भाई। बहुत ही शानदार ये वर्क करता है, ये देख सकते हैं। और कैसा काम कर रहा है भाई साहब, हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इसमें अभी पानी भाई बहुत कम है, ये देख सकते हैं भाई पानी बहुत कम है इससे। ये डैम ये तार लगे हुए हैं और इन्हीं तारों के माध्यम से ये नीचे जाता है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें गिट्टी भरी हुई है और हाँ वजन खातिर ये डैम नीचे जाता है तो पानी बंद कर देता है। जितने ऊँच मतलब जितना खोलेंगे उतना ही तेज़ बाहर पानी निकलेगा। ऐसे यहाँ पर अनेक डैम बनाए गए हैं भाई साहब यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और अभी क्या कंडीशन है इसकी और दिखाएंगे। ये देख रहे थे कोई एक मुर्गा पड़ा है भाई साहब, ये कहीं फिसल गया बह गया। और यहाँ पर भाई ऐसे दोनों नहरों पर डैम बनाए गए हैं। ये बेहद ही खूबसूरत दृश्य दिख रहा है भाई साहब। ये दोनों नहर जाके एक में मिल गई हैं, क्यों आगे जाके दोनों नहर एक में मिल गई हैं। इसका इसका कोई बहाव ही है नहीं इधर, उसके बाद फिर ये देख सकते हैं। ये भाई ये दूसरी नहर है जिसका स्टाफ बंद हो चुका है और एक ही नहर में पानी जा रहा है, एक ही नहर में पानी जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं भाई साहब, ये सामने स्टाफ इसका है और इधर एक ही नहर में पानी जा रहा है। और इधर आगे का हम डैम दिखाएंगे भाई साहब, जो बेहद ही विशाल और बड़ा हैवी है, हैवी सिस्टम है भाई साहब यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं सर, ये आगे सिंगल ही एक ही नहर बची हुई है। हम भी साइड में दिखाते हैं, इधर डैम बने हुए हैं, काफी लंबा फोकस बड़ा हुआ डैम था भाई। ये देख इसमें पानी काफी तेज बह रहा है और आके हम अभी अंदर से दिखाएंगे आपको कैसा पोजीशन है यहाँ पर। कैसा काम करता यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 डैम बनाए गए हैं यहाँ पर, 6 डैम पे भाई साहब। ये 6 डैम इधर हैं और ऊपर कुछ घिर्रियाँ लगी हैं जो बढ़ाया घटाया जाता है। और अभी आपको और दिखाएंगे किधर डैम है, इधर 5 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 इधर भी डैम है। और अभी आप जाके ऊपर लोकेशन दिखाते हैं कैसे।